हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेट कराने जा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल का आंसर की आ गई है इसकी, तो उसके मैं सारे सेट का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ मैथ्स का। ओके, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी माइनस टू ए। ये वैल्यू 0 है तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, आंसर 3 हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी है व्हील की, पूछा क्या है। रेडियस दे रखी है व्हील की, पूछा क्या, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 10 रिवॉल्यूशन में। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है जब सीट व्हील के अकॉर्डिंग होता है, तो होता है एन इंटू टू पाई आर एच, एन इंटू टू पाई आर एच। एन क्या है इसमें, रिवोल्यूशन, और ये हो गया 2 × 20/7 आर की वैल्यू 14, इससे डिवाइड किया 4 से, इसे मल्टीप्लाई किया 88 और इसे 10 से किया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 880। ये क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/5 होती है अगर ये वैल्यू ऐसी होती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज होगी। ये पूरा वो दे रखा है डाटा, इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन पी होगा, पी और आर में कितनी गर्ल्स होंगी। पी में 17 हैं और आर में 31 हैं, टोटल कितनी होगी 48%। किसका है 48%, 3000 का, ये दे रखा है 3000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ये आया, 3 8 24, 3 6 12 और 2 कैरी 144 0। ओके, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है कोर्ड जो है एंगल सब्स्टिट्यूट कर रही है एक सर्कल पर, एंगल कितना है 180। ओके, ये सर्कल ये है मान लो। अब पूछा है रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी जब ये 180 पे कर रही है, तो मतलब क्या हुआ, ये भी तो कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा हाफ होगा, रेडियस होगा हाफ होगा कोड का, पूरे कोड का हाफ होगा। ओके, तो 36/2 18 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें, ए की वैल्यू जो है 45 रखनी थी। ए की वैल्यू 45 रखेंगे तो हो जाएगा 1/√2/2 इस वाले में, इसमें रखेंगे नीचे वाले में, तो 1/√2/2। ओके, इसमें रखेंगे 1+√2 साइन 45 की वैल्यू, 40 एक 45 रखा है, यहाँ रखेंगे तो √2/2। ओके, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, 1 वैल्यू आ गई। अब कोस 45 की वैल्यू रखेंगे, ये कि पहले में रखी 0 नहीं आएगी, दूसरे वो 1 नहीं आएगी, 1 आया था ना इसका सॉल्यूशन, इसमें रखेंगे इसमें भी 1 नहीं आएगी। 10 45 होता है 1, और 10² 45 भी 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इस क्वेश्चन को क्या करना था, सबसे पहले डिवाइड 5 × 2, इसे लिख सकते हैं 5/2 × 1/5। ओके, इसे लिखेंगे 1/5 × इसको उल्टा कर लेंगे 5/3, ये 5 है, ये 5/2। ओके ओके, इस 5 से, सॉरी इस 5 से ये 5 गया। ओके, और इस 5 से ये 5 गया। ओके, ऊपर की वैल्यू अभी लिखेंगे, पहले नीचे का सॉल्व करते हैं, 2/5 − −5/2, इसे लिखेंगे 4/25। ओके, इसको लिखेंगे +1/2 5/2 × 1/5, इस वैल्यू से ये वैल्यू गई, इससे दोनों से ये गई, इससे ये गया 5 बार, इससे गया यहाँ, तो बचा 2 नीचे, ये बचा माइनस, और ये बचा 1/5, और ये बचा, इससे से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या था 1/5 से 5 चला गया, तो
तेरा टू था तो बचा यहाँ वन अपॉन फोर, वन अपॉन टू प्लस टू माइनस वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन फोर बचा, यहाँ से जो है इस फाइव से फाइव चला गया था फाइव बाई फोर माइनस यहाँ बचेगा फाइव बाई सिक्स, ऊपर की आ गई वैल्यू, ऊपर आ गई फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई सिक्स ओके, और नीचे की आ गई थी टू माइनस के वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन फोर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे बारह, चार से इसे डिवाइड किया तीन बार, तीन पंजे पंद्रह, इसे किया इससे तो ये हो गया दस, तो ऊपर की वैल्यू आ गई, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई ट्वेल्व ओके। नीचे की वैल्यू अब देखते हैं, नीचे की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू फाइव बाई ट्वेल्व आ गई, नीचे की वैल्यू देखते हैं पहले, ये हो गया बीस एलसीएम लिया बीस, ये हो गया आपका, ये हो गया चालीस ओके, ये हो गया, ये हुआ आपका फोर और ये हुआ फाइव, तो ये आ गई आपकी ट्वेंटी वन सॉरी फोर्टी वन अपॉन ट्वेंटी, फाइव बाई ट्वेल्व और फोर्टी वन अपॉन फाइव बाई ट्वेल्व और फोर्टी फोर्टी वन अपॉन ट्वेंटी, ट्वेंटी ऊपर आ गया नीचे से डिवाइड करेंगे और फोर्टी वन, इससे काटा इसे फाइव टाइम, इससे काटा इसे थ्री टाइम्स, तीन की मल्टीप्लाई और दो, ये हो गया तुम्हारा एक सौ तेईस और पाँच पाँच पच्चीस ओके, ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन है, इसे करना था हमें हीरोज फॉर्मूले से, हमें पहले एस निकालेंगे सेमी पैरामीटर, तो इन्हें ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कर देंगे, तो ये अट्ठाईस और चौदह बयालीस, बयालीस को दो से डिवाइड किया यह गया इक्कीस। अब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अंडर रूट एस ए माइनस वो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस कितना है हमारा ट्वेंटी वन और एस ए में से यानी कि तेरह में से गया तो ये बचा आठ, इक्कीस में से आठ, इक्कीस में से तेरह गए आठ और इक्कीस में से पाँच गए छः और इक्कीस में से चौदह गए तो सात, यह आ गया इक्कीस आठ सात, एक सात यहाँ से एक सात यहाँ से कॉमन, दो की मल्टीप्लाई यहाँ से तीन बचेगा एक अट्ठारह, एक तीन यहाँ आ गया आपका, तो जो निकलेगा यहाँ से एक तो सात निकल गया, एक वो सोलह हुआ था एक चार निकल गया, एक हो जाता छः और तीन और तीन तीन यहाँ से आ गया बार तीन बारह सत्तर चौरासी ओके, बारह सत्तर चौरासी यानी कि ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी परसेंट, ट्वेंटी परसेंट पी है, पी का ट्वेंटी परसेंट आप ऐड कर रहे हैं फोर्टी परसेंट ऑफ द क्यूब ओके, वो आ रहा है एट्टी परसेंट ऑफ पी, मैंने परसेंटेज से लिखा क्योंकि इधर सी परसेंट इधर भी परसेंट इसलिए परसेंट कट जाएगा, यहाँ से गया ये इधर गया पी, क्यू इधर गया क्यू था, ये क्यू था सॉरी, ये हो गया आपका ट्वेंटी पी और ये हो गया आपका फोर्टी क्यू, टू से टू गया पी की वैल्यू, पी अपॉन क्यू की वैल्यू टू बाई वन ओके, ये रेशियो आ गया, पूछा है पी कितने परसेंट है, पी की वैल्यू टू है किसका क्यू का, हंड्रेड से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए तो दो सौ परसेंट बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दे रखा है टू बाई फाइव और सेलिंग प्राइस, तो एम पी बाई एस पी का रेशियो निकालेंगे, ये टू है टू एट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा सिक्सटीन और फाइव फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव, अब क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट एम पी पे निकलेगा तो एम पी कितना ट्वेंटी फाइव, कितने का डिफरेंस है एस पी माइनस एस ऊपर लिखते हैं डिस्काउंट तो एस पी माइनस सी पी सॉरी एम पी माइनस सी पी, एम पी माइनस सी पी कितना है सात सात ओके। अब हंड्रेड से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए चार कितना है आपका दो तीन सात नहीं सॉरी सोलह है आठ दूनी सोलह तो ये आएगा आपका पच्चीस में से सोलह के पच्चीस में सोलह के आपका नौ नाइन ये चार बार जाएगा नौ चौक छत्तीस ओके तो थ्री हो जाएगा ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन है इसमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने सिक्सटी से ऊपर स्कोर किया है, ये है यानी कि सिक्सटी से ऊपर स्कोर वाले कितने हैं थर्टी फोर, दोनों को ऐड कर दिया टोटल कितने हैं चौंतीस और ये दो और दो चार ये चार और बारह सोलह सोलह और चौंतीस पचास
इससे से डिवाइड करेंगे, इससे जाएगा, इससे से काटेंगे तो जाएगा आपका 68%। अब ये क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल, कितनी दे रखी है, डिस्टेंस पूछा है कोड की, यानी कि एक सर्कल हो गया, ओके, लेंथ की कोड कितनी रखी है 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, और रेडियस से डिस्टेंस कितनी 17, तो ये हाफ हो गया, ये निकालनी है हमें, सॉरी ये 17 दे रखी है, ये निकालनी है हमें। तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो 15 17 का ट्रिपल वैसे तो 8 होता है, याद होगा तो, बट मैं आपको बता रहा हूँ 289 हो गया 17 का स्क्वायर, माइनस करेंगे 15 का स्क्वायर 225, यह गया 4, यह गया 6, अंडर रूट कर देंगे इसका तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से करना था। टीना जो है एक काम को 12 दिन में करती है, ओके, 12 दिन में टीना, और मीना जो है उसी काम को 15 दिन में करती है, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क हो गया 50, ओ सॉरी टोटल वर्क हो गया 60, इससे निकालेंगे इसे 5 बार, इसे निकालेंगे 4 बार, ठीक है। अब पूछा है 1800 रुपये दोनों पेज कर रहे हैं, टीना और मीना को रुपये मिल रहे हैं इतने, 18000 मिल रहे हैं, तो पूछा है मीना, तो 18000 मीना का निकालना, तो मीना की एफिशिएंसी 4 है, और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे दोनों की, तो टू आर जाएगा तो हो जाएगा 8000, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी तो हो जाएगा 8000, ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इतनी दे रखी है, दो सर्कल की सेंट्रिक डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कोड का, डिस्टेंस का स्क्वायर जो सेंटर के बीच डिस्टेंस, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ओके, ये होता है। तो कितना है 625, 25 की वैल्यू 625, इसमें से माइनस किया 12 में से, 12 माइनस 5 ये हो गया तुम्हारा 7 का 49, ओके, इसे करेंगे आ जाएगा 576 अंडर रूट में है, अंडर रूट में तो 576 वैल्यू थी 24 की, ओके, ये हो गया इसका आंसर 24। अब पूछा है एवरेज सेल ऑफ द कंपनी, यानी कि सेविंग क्या है, सेविंग ये है, तो सेविंग सारी सेविंग ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1600, 2200, 2400, 2600, 4000, ये हो गया आपका 2200, 2400 और 600, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 60000, ये हो गया आपका 6000, ओके 6000, ओके। अभी ये पूछा है एवरेज में 5 से डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा हूँ इनमें, क्योंकि दोनों का एवरेज लेना ना एक्सपेंडिचर का भी, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 1600, ये हो गया 2000, सॉरी 2000 नहीं, ये एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया हमने, ये होगा 4800, ये होगा 4800, और ये होगा एक्सपेंडिचर, मैं एवरेज से डिवाइड नहीं कर रहा, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा ना, इस वजह से मैं उसे नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 4000, परसेंटेज निकालनी है 4000, तो 2 जीरो से 1 जीरो, ये आपका 1 जीरो गया, 120% आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट दे रखी है 30 लोगों की, और पूछा है एज ऑफ स्टूडेंट करेक्ट एज निकालनी है, करेक्ट एवरेज एज क्या होगी, तो ओल्ड प्लस न्यू इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस जो भी घटाया बड़ा है, ओके। तो पहले कितनी थी 15, ठीक है, अभी कह रहा है 15 ले ली, 9 लेनी थी, यानी 15 ले ली है, तो एवरेज पहले इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 15 में से इसे माइनस किया 9 को, तो कितने का डिफरेंस है 6 का, कितने पर 30 पर, यानी कि 30 लोग थे, इससे काटा इसे तो 15.2, ये हो गया 14.8 एवरेज ईयर आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। यह है एक जो है कार जो है इतनी डिस्टेंस चलती है कितनी स्पीड पर, मान लियो वो एक्स स्पीड है, फिर इंक्रीज कर दी स्पीड, तो पहला कितना टाइम लिया होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें वहाँ से टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 60 और स्पीड हमने मान ली एक्स, 2 घंटे स्पीड बढ़ाने में 2 घंटे कम ले रही है, माइनस कर देंगे कितनी स्पीड है, एक्स प्लस 8,
अब क्या करना था हमें, इसे सोल्व नहीं करना था, इसमें क्या रखा, ऑप्शनों को रखना था। हमने 12 रखा, 12 रखने के बाद 5 बार जाएगा, ये जाएगा 20, ये 3 बार, तो ये इक्वल आ गए दो के, तो पहले यही ऑप्शन हो जाएगा। एक पर्सन जो है वीट को सेल करता है 25% पर, ही रिड्यूस सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने प्रॉफिट पर, 25% पर। तो सी पी और एस पी का रेशियो ये हो गया हमारा 1/4 लिखेंगे, 4 से 5 हो गया। फिर जब इसका रिड्यूस कर रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो कितने परसेंट का लॉस कर रहे हैं, 4 से 3 हो गया। ओके, कितने का गिरावट आई इसमें, 2 रेशियो की गिरावट आई, कितने पर, 40 पर, 40 के इक्वल, तो 2 40। पूछ रहा है इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना होगा वीट का, तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसे, 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले, तो 130, 130 में 25 ऐड करा, 155, 155 माइनस के करेंगे इसमें से 12 चौ 48, 12 चौ 48 या 4 कैरी है, ये हो गया। इसे माइनस किया 3, इसमें से माइनस किया 12 में से 7 और 4, ये हो गया 4 में से एक जाएगा 3, तो हो जाएगा 377, 373 सॉरी। ये है कोट, कोट पे कोट बाई की वैल्यू दे रखी है, ये बाई की वैल्यू दे रखी है, कोट बाई की वैल्यू दे रखी है। तो कोट बाई क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया 12, ये हो गया 5, ट्रिपलेट हो गया 13। ओके, अब कोस किसकी पूछी है, कोस स्क्वायर बाई की वैल्यू, कोस क्या होता है, 12 अपॉन, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका स्क्वायर है तो 144/169, ओके 169, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे वैल्यू दे रखी है, यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है, तो देखो पी क्यू आर ऊपर है, तो यानी कि सारों की वैल्यू 2 2 होगी, तो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, तो टेन पी मान लिया हमने, ओके ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, टेन क्यू मान लिया, इससे कटा, पी की वैल्यू कितनी है 2, और क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 2/5 आ गया। ओके, इस तरह से क्वेश्चन करना था। एवरेज हम जो है इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं तुम्हें एवरेज वेटेड मेथड से बताऊंगा। एक लोग बच्चे क्या करते हैं, सारों को ऐड करते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसे सबट्रैक्ट करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपका एवरेज वेटेड मेथड, 30 को हमने एवरेज माना, ठीक है, 30 से कितना ज़्यादा है 2+, ओके 30 से कितना ज़्यादा है 4, ओके 30 से कितना ज़्यादा है 6, ओके ये 30 से कितना कम है 9, माइनस के 9, ये 30 से कितना कम, माइनस के 4, ये 13 हो गया, और ये हो आपका 12, 12 और 13 कितने का डिफरेंस है, -1 का, तो एक डिफरेंस कर देंगे, x की वैल्यू जो आएगी माइनस 30 में से 1 करेंगे तो 29 आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन करना था, अगर प्लस में आती तो प्लस कर देते। अब एवरेज निकालना है, J1 और J2, यानी कि J1 क्या है, एवरेज है P का, तो इन्हें हमने ऐड किया, तो ये आ गया आपका 180 और 4 260 आ गया, ये 260, ये भी 260। अब एवरेज है दोनों का 260 से 260, 5 से 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो वही बात है, दोनों को करेंगे तो 1 ही आएगा इनका, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन ही जीता ये बहुत। अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो है पहले हम डिवाइड का रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से हमने माइनस लिया, इसे कर लेंगे -1/x, इसे क्या, इसे करेंगे 1, ये लिखेंगे इसको इस तरह से, ओके (x)(1 - x)(1+x), ये एक्स स्क्वायर एक बार प्लस वाला से गया, ओके ये माइनस का जो है, ये माइनस का 1x आया था, ये इससे गया, यहाँ से माइनस की वैल्यू बची, ओके माइनस की वैल्यू बची, यहाँ से प्लस, ये वैल्यू हो चुकी प्लस की, और यहाँ माइनस की, यहाँ प्लस की, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो था एक्स माइनस में था 1 - x, और एक 1 - x² बचा था, तो उसे एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, ओके ये था 1/x, ये इससे गया, तो ये बचा माइनस के x, अब ये हो गया एक्स 1 + x, 1 + x, तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था 10% के रेट पर, देखा 2 साल का, ओके 10% निकालेंगे इसका पहले ईयर का और सेकंड ईयर का, हम इसे ट्री मेथड से कर रहे हैं, तो 10% निकालेंगे इसका जाएगा 1400, फिर 10% निकालेंगे 1400, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 140 इन्हें देखा 2800 और 140 हो जाएगा 2940,
ये हो गया ऑप्शन डी। ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ऑप्शन कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।